जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव ने एक बार फिर कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जल्द ही नया विकल्प तैयार होगा। इसके लिए उन्होंने 2 सप्ताह तक इंतजार करने को कहा है। दरअसल पप्पू यादव वैशाली जिला के लालगंज में मिलन समारोह में पहुंचे, जहां लालगंज नगर उपाध्यक्ष दिलीप ठाकुर अपने कई समर्थकों के साथ जन अधिकार पार्टी में शामिल हुए, जिन्हें पप्पू यादव ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नगर उपाध्यक्ष दिलीप ठाकुर को लालगंज विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी का प्रत्याशी घोषित करते हुए नगर उपाध्यक्ष के पक्ष में नारे भी लगाए गए। लालगंज की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालगंज का नेता कैसा हो? वहीं इस दौरान पप्पू यादव ने महागठबंधन और एनडीए पर जमकर हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि इन दोनों के शासनकाल में अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। ऐसे में अब जल्द ही बिहार में नया विकल्प तैयार हो रहा है, जो एनडीए और महागठबंधन दोनों को माकूल जवाब देगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उन्होंने कवायद शुरू कर दी है। विधानसभा के लिए नए विकल्प के स्वरूप के बारे में फिलहाल इंतजार करने को कहा है। वहीं नगर उपाध्यक्ष दिलीप ठाकुर अपने चुनावी अभियान को लेकर वैशाली टुडे से कई अहम मुद्दों को भी साझा किया। इसमें गठबंधन को लेकर तरह तरह की चर्चा है। सर चलने दीजिए, बिहार विकल्प चाहती है, बिहार बदलाव चाहती है। आप 30 साल के साथ गठबंधन करके चेंज फॉर बिहार की बात नहीं कर सकते। आप यदि चेंज करना चाहते हैं, याद कीजिए 2005 में इससे विकल्प की बात रामविलास जी ने किया था, 32 सीट जनता ने दी, काला चाबी के चलते नीतीश कुमार आ गए, याद है आप। और ठीक 15 के बाद फिर एक जनता के भीतर पागलपन है, इस सुशासन के कुकर्म नर्क बना दिया बिहार की जनता को। ना रोजगार पर कभी चर्चा होती है, ना फैक्ट्री पर चर्चा होती है, ना वैशाली के इतिहास पर चर्चा होती है, ना महावीर के जीवन पर चर्चा होती है, ना वैशाली को वर्ल्ड हेरिटेज बनाने की चर्चा होती है, ना हम दुनिया को बदलने की कुछ स्वीकार करते हैं। अपराध का जोन बन गया है हाजीपुर वैशाली, यूनिवर्सिटी है ये। इस बार विकल्प के तौर पर सेक्स रैकेट बढ़ा हुआ। सर जनता विकल्प चुन ली, जनता तय करेगी। मैं अंतिम प्रयास करूंगा विकल्प के लिए। मैंने कहा कि एक नया विकल्प, एक एरा जिसमें कांग्रेस, मैंने कहा कि कांग्रेस आए ना सामने, और एक जो विद्वान है IRFS है मीरा कुमार, लाए उसको। मैंने कहा चिराग को क्या पाओ ना, जो 30 साल से निकलने की बात की। मैंने प्रशांत किशोर को कहा, मैंने माझी को कहा कि आपका बद हुआ आपको याद नहीं है, मैंने तो सवाल ही नहीं उठता कभी चर्चा की बात। सर सर बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में, जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, कोई भी दल अपने पूते सक्षम नहीं है, फिर भी पप्पू यादव को कोई क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? सर समझ में नहीं आता कैसे सक्षम नहीं है, जनता तय करती है ना सर। अरविंद केजरीवाल नहीं हुए सर, जगन नहीं हुए, ममता नहीं हुए, नवीन नहीं हुआ, बिहार क्या ये बात सही है कि यही पप्पू यादव? सर गठबंधन में किसके साथ जाए, फिर किसके साथ? अब बिहार चेंज करने की बात कीजिएगा, वही 47, वही 56, वही बालियो माफिया, वही अपराध, वही जमीन माफिया, वही समाज को तोड़ने वाला, नफरत पैदा करने वाला, हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड। आप वहाँ चेंज करिएगा बिहार को। तो क्या पप्पू यादव अकेले आ रहे हैं इस पर चुनाव? सर मैंने तो ये नहीं कह दिया अकेले आ रहा हूँ या आ जाऊंगा, जनता तय कर देगी सर कभी ना कभी, इतिहास तो बनता ही है ना कभी सर। और मुझे लगता है कि यह जो वैशाली और लालगंज की धरती है, यदि मिल करके सब सोचे तो जरूर चेंज हो। रणनीति जनता के बीच में जाएंगे, रणनीति यही रहेगा कि जनता के बीच में जो काम बाकी है उसको हम पूरा करेंगे। आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? हमारा चुनावी मुद्दा है कि तीन टर्म यहाँ के कुछ लोग विधायक थे, उनका भी सब कुछ देख लिया, एक टर्म भावी विधायक है उनका भी देख लिया। मेरा चुनावी मुद्दा होगा कि 4 साल में अगर हम विकास नजर नहीं आएगा तो 5वां साल हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। अच्छा, अपना वोट कहाँ पाते हैं आप? जन अधिकार पार्टी का यहाँ पर लालगंज में वोट कहाँ पाते हैं? खासकर जाति की बात की जाए, 3 जातियों में आपका वोट ज्यादा बेस वोट आप अपने को मानते हैं? अरे भाई हमारे पास सब जातियों में वोट है, हमको वोट सब जाति में है, किस जाति में हमारा वोट नहीं है?
हर जाति में हमारा वोट है ना, हमारा वोट तो हर जाति में। लालगंज में जाप का इतना वोट होगा जो समय बताएगा कि कहां वोट है। जाप का वोट किसने है, सब जाते का वोट होगा, सब नेता ईश्वर हवा में चला जाएगा। जाप का जो नेता है, सारा नेता पटना में बदाहरा गया तो सब नेता अपना घर में दुखल था, जाप का ही नेता सब जगह बहुआया, सब जगह सब कुछ बांटा। जनता हर चीज को देख रही है, जनता अंधा थोड़ी है, जनता भाई साहब हर चीज को देख रही है, जनता हर चीज को देखते हुए निर्णय इस बार लेगी। इस क्षेत्र में कई जो भी प्रत्याशी हैं वो राजनीति के काफी धुरंधर हैं, ऐसे में आप अपने आप को कितना फिट मानते हैं? अरे भाई, हम धुरंधर सारे लोग हैं, एगो अधुरंधर जा रहे हैं। अब देखिए समय बताएगा कि हम कितना फिट है। हम कैसे कहते हैं कि हम पूरा फिट है, बाकी लोग तो फिट है, हम ही नहीं अनफिट जा रहे हैं। अनफिट अब कितना फिट होगा तो समय बताएगा। आपका चुनावी दौरा कब से शुरू हो रहा है? हमारा चुनावी दौरा बुधवार से चालू हो जाएगा, बुधवार पूर्णमासी है, भादो के चलते हम रुके हुए हैं, भादो और भदवा दोनों तबाह करता है, इसी के चलते रुके हुए हैं। चुनावी जब दौरा चालू होगा, सब नेता हवा में उड़ जाएगा, कोई नेता नहीं टिकेगा।